अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वेरी अट्रैक्टिव मेहंदी डिज़ाइन लाई हूँ। बहुत इजी और सिंपल डिज़ाइन आप देख सकती हैं। तमाम डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत है, हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग है। आप किसी भी पार्टी में इस तरह की मेहंदी डिज़ाइन लगवा सकती हैं। इनको लगाना इजी है, आप खुद भी लगा सकती हैं या किसी को दिखाकर भी लगा सकती हैं। वैसे आपने देखा होगा मेरे चैनल में इनके ट्यूटोरियल भी मौजूद हैं इजी मेथड के साथ। हम अपने व्यूवर्स को कोशिश करते हैं बहुत इजी इजी ट्रिक दें, बहुत इजी मेथड के साथ वीडियो दिखाएँ ताकि उन्हें मेहंदी ट्यूटोरियल लगाने मेहंदी आ जाए। हमारी मेहंदी ट्यूटोरियल प्लीज़ देखिए, उसमें आपको मेहंदी लगाने का तरीका बताया गया और ये भी बताया गया कि स्टार्ट में आप किस तरह से मेहंदी को इस्तेमाल कर सकती हैं और मेहंदी को आपने जब भी तैयार करना है उसको बनाने का तरीका और कोन को पकड़ने का तरीका, ये तमाम आप मेरे चैनल में देखिए। आपको इसमें बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल मिलेंगे जिससे आपको मेहंदी लगाने का बहुत ईजी मेथड मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। ये तमाम डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है और आप किसी भी बेबी के या अपने इस तरह के डिज़ाइन लगा सकती हैं। अक्सर व्यूवर्स ऐसा होता है कि पॉलर चली जाती हैं मेहंदी के डिज़ाइन उनके पास कम होते हैं, तो उन्हें आप इस टाइप के डिज़ाइनिंग दिखाकर अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन भी लगवा सकती हैं। इस तरह की वीडियो को सेव कर लिया करें, क्योंकि इस तरह की जब वीडियो को आप सेव कर लेती हैं ये हमें बाज़ औक़ात यूज़फुल साबित होती हैं। जब हमारी कोई हाँ फंक्शन हो पार्टी हो तो हमें एकदम से जहन में आ जाता है कि हमने इस टाइप का मेहंदी डिज़ाइन लगवाना था, तो अगर हमारे पास सेफ होगा तो हमें लगवाने में भी आसानी होगी और हमें अंदाज़ा हो जाएगा हमारे हाथ पर कौन सा मेहंदी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। और एक बात का बहुत ख़ास ख्याल रखें, जिन बच्चियों की शादी होने वाली है या हो रही है वो मेहंदी लगवाने से पहले प्लीज़ मेहंदी को ज़रूर चेक कर लें। अक्सर ऐसा होता है मेहंदी किसी किसी ब्राइडल को एलर्जिक कर जाती है जिसकी वजह से उसको मसला होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझा दें कि मेहंदी को पहले आप किसी और जगह ट्राई कर चेक करें कलाई पे कि कहीं मेहंदी आपको एलर्जिक तो नहीं कर रही। कुछ पार्लर्स में ऐसा होता है कि मेहंदी को लगा देती हैं बाद में वो एलर्जिक कर जाती है, कुछ जगह पर, हमेशा नहीं कुछ जगह पर, लेकिन अपने आप को होशियार रखना चाहिए हर मामले के लिए। इसलिए मैं आपको आगाही दे रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगवाई तो वो एलर्जी कर गई थी, तो इसलिए मेरे बाद में बात जहन में रहती है कि मैं अपनी बच्चियों को, अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों को और उन ब्राइडल्स को हदायत दूँ कि ब्राइडल के लिए स्पेशली एडवाइज़ है मेहंदी को लगाते वक्त चेक कर लें, एक्सपायर मेहंदी ना हो, उसमें कोई ऐसा केमिकल ना हो जो आपकी हसास जिल्द को नुकसान पहुँचा दे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस कर